अग्निपथ योजना के फैसले का हुआ स्वागत, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योजना की सराहना, कहा योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगार। धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा भव्य स्वागत, रोड शो को लेकर आम लोगों में उत्साह, पीएम का 16 और 17 जून को प्रवास प्रस्तावित। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे माता के दरबार शक्तिपीठ, नैना देवी के किए दर्शन, सीएम पर जमकर साधा निशाना। अनुराग शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा जागो हिमाचल भारत जोड़ो पदयात्रा की होगी शुरुआत, 20 अगस्त से 2 अक्टूबर तक निकाली जाएगी पदयात्रा। और शिमला में खेल महाकुंभ का हुआ समापन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की शिरकत, कहा नशे से दूर रखने के लिए महाकुंभ का हुआ था आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल प्रदेश की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को स्वीकृति प्रदान करने के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक दूरदर्शी योजना है जो देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है और प्रदेश के सपूत सैन्य बलों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये योजना देश और प्रदेश के युवाओं को सैन्य बलों में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार इस सारे विषय को लेकर के चिंतन मंथन करने के लिए अधिकारियों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और अपने जो राजनीतिक टीम उनके साथ लगातार चल रहे थे और पिछले कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस सारे प्रक्रिया के पश्चात आया और मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय होगा कि हमारे देश के नौजवान राष्ट्रभक्ति के साथ, देश प्रेम के साथ देश की सेवा कर सके, एक जज्बा हमारे नौजवानों के बीच में जोश और जुनून का देश के प्रति बने। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री के धर्मशाला के प्रस्तावित प्रवास के दौरान रोड शो के माध्यम से भव्य स्वागत किया जाएगा, इसके लिए आम जनमानस भी खासा उत्साहित देखने को मिल रहा है। वहीं उद्गार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने रोड शो की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 और 17 जून को प्रवास प्रस्तावित है और हिमाचल के लिए ये गर्व के क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि का ठहराव भी धर्मशाला में ही करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि पूरा धर्मशाला भगवामयी और भाजपामयी हो गया है और जिला कांगड़ा धर्मशाला अपने प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और 16 तारीख को सुबह 10 बजे अपार जनसमूह रोड शो के रूप में इसी रास्ते से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं ये मैं कह सकता हूँ और आज स्वयं पार्टी के नेता जिसमें श्री किशन कपूर जी हैं, विधायक साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो स्वयं जहाँ 1100 मीटर का स्ट्रेच है उसको देखने के लिए स्वयं सड़क पर उतरे हैं। लगभग 7 कल्चरल आइटम भी, चाहे उसमें हमारा मझाकड़ा हो, गद्दी डांस हो, तिरपिन डांस हो, शहनाई का हो, ढोल धमाका हो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे लगभग 7 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस रोड शो में होगा।
और आज विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री परिवार सहित माता के दरबार में पहुंचे। इस दौरान माता का पूजा अर्चना की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री को केवल दो ही बातों के लिए जनता द्वारा याद किया जाएगा, एक तो नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के रूप में। ये सारे इलाके हैं कांगड़ा चंबा, ये तो आपके नक्शे पे ही नहीं है, भाजपा के नक्शे पे ही नहीं है, बस ऐलान बयान करते जा रहे हैं, घोषणाएं करते जा रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने में तो टॉयलेट नहीं बढ़ते, आप करोड़ों करोड़ों की घोषणा अरबों की घोषणाएं करते जा रहे हैं, 3 महीने में शौचालय नहीं बनता, अब क्या बनाओगे? जब होना था, जब बन सकता था, तब आपने काम नहीं किया, अब भागते फिर रहे हो, अब कुछ संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के युवा आपको बख्शने वाले नहीं हैं नौकरियों में बेईमानी के लिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आपको बख्शने वाली नहीं हैं जिन्होंने 30 रुपए किलो आटा दिया और 250 रुपए तेल की बोतल दी। प्रदेश के जयराम सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, महंगाई, बेरोजगारी और अब जल संकट से निपटने में ये सरकार असफल है। बता दें कि ये तमाम बातें शिमला में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने देश और प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास किया है, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराने के लिए कांग्रेस 20 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जागो हिमाचल भारत जोड़ो पदयात्रा निकालेगी। जागो हिमाचल और भारत जोड़ो इस पदयात्रा का नाम है और इसको हम लोग 20 अगस्त 2022 राजीव गांधी जी की जन्मतिथि पर सद्भावना दिवस है, इसकी शुरुआत हम शिमला से करेंगे और हमारे 13 के 13 जिला मुख्यालयों में और उनके साथ लगते जितने हमारे ब्लॉक हैं इसमें तकरीबन 2100 किलोमीटर जो है 51 दिन में हम चलेंगे। इस जनसंपर्क अभियान के तहत हर छोटे गांव, हर कस्बे को, हर शहर को जो है पिछले 4.5 वर्षों में जो भाजपा की नाकामी रही है सरकार की, उसको हम पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और शिमला में खेल महाकुंभ का समापन हो गया है, वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिरकत की है। मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा खेल महाकुंभ का पिछले 1 सप्ताह से आयोजन किया जा रहा था, जिसमें युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बता दें कि मंगलवार को प्रतियोगिता का फाइनल मैच का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद नजर आई, वहीं विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। देखिए, जो इसमें हमारे इस एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने पहल की है वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने ऐसे टूर्नामेंट में महिलाओं को भी शामिल किया, युवा वर्ग को भी शामिल किया और विभिन्न खेलों के आयोजन का यहाँ पर आज जो जिनको इनाम मिले उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कुल्लू में इन दिनों जहां मौसम का मिजाज बढ़ा हुआ है तो वहीं लोक निर्माण विभाग भी इस मिजाज का खूब फायदा उठा रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन दिनों जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को सुधारने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले न्यूल में भी सड़क पर टावरिंग का काम किया जा रहा है, जिस पर लेकिन इसकी गुणवत्ता सही नहीं होने के चलते 2 दिनों के अंदर ही अब ये टारिंग उखड़ना शुरू हो गई है। मंगलवार को भी न्यूल में जब सड़क पर टारिंग का कार्य हो रहा था तो उस दौरान ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और सड़क टारिंग का कार्य रुकवाया। तो सड़क में खराब टारिंग हो रही है और ग्रामीणों ने ये टारिंग कार्य अब आखिरकार रुकवा दिया है। बता दें कि मौके पर तमाम लोग भी मौजूद देखने को मिले, हालांकि ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सड़क निर्माण कार्य को लेकर जहां प्रशासन एक ओर सजग नजर आ रहा है, वहीं खराब गुणवत्ता यहां सड़क निर्माण कार्य में देखने को मिल रही है। न्यूज रोड की जो टायरिंग हो रही है, जो जीरो पॉइंट से रोपा जीरो पॉइंट से जो
न्यू तक जो टायरिंग हो रही है, इस टायरिंग में जो थोड़ी ये टायरिंग जो है, हम गांव वाले देखने गए जो इस टायरिंग में वो टायरिंग जो निकल रही है, और इस टायरिंग की वजह से हम गांव वाले गए देखने और उस टायरिंग को देखने गए और टायरिंग पूरी की पूरी ख़राब है, और इस वजह से हमने वो काम जो है बंद करवाया है। और इस बंद काम करवाने की वजह से जो आगे विभाग जो इस काम के ऊपर छानबीन किया कर सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16 से 18 जून तक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष शुरू होने जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत गेटी थिएटर शिमला के मुख्य सभागार में होगी। उत्सव में देश विदेश से करीब 425 साहित्यकार, लेखक और जाने माने विद्वान हिस्सा लेने पहुंचेंगे। बता दें कि उत्सव में 32 LGBTQ लेखक, 40 आदिवासी भाषाओं, 25 उत्तर पूर्व लेखक, 9 प्रवासी, 9 विदेशी लेखकों सहित 24 भारतीय के 300 लेखक उपस्थित रहेंगे। वहीं भाषाओं में अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये उत्सव आयोजित किया जा रहा है। 16 जून को 12 बजे पहला कार्यक्रम साहित्य और स्त्री सशक्तिकरण विषय पर होगा। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जो है शिमला में 16 तारीख से 18 तारीख यानी 3 दिन, 16, 17, 18 सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होगी। इसमें 60 से अधिक विभिन्न सत्र है। इसमें 425 से अधिक लेखक भाग ले रहे हैं। देश और विदेश से भी लेखक आ रहे हैं और अलग अलग कोणों में लोग अपने अपने रचना पढ़ेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और इनकी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि है माननीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहेंगे। और साथ साथ बढ़ते आगे बात अब मौसम की करेंगे, जहां मैदानी एरिया नालागढ़ में तापमान 43 डिग्री के पार चल रहा है, जिसके चलते बीच शहर के कई वार्डों में पानी की कमी भी अब लोगों को सताने लगी है। पिछले एक सप्ताह से नालागढ़ नगर परिषद कार्यालय के साथ लगती आवासीय कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे यहाँ के लोग पानी से परेशानी झेल रहे हैं और स्थानीय लोग टैंकरों के जरिए अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। लेकिन रोजाना इस्तेमाल और घरों के कामों के लिए पानी उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं आने का मुख्य कारण नगर परिषद द्वारा कॉलोनी में पानी मुहैया करवाने के लिए बोरवेल का खराब होना बताया जा रहा है। साढ़े उरे कॉलोनी च पानी नहीं आ रहा, अज 5-6 दिन हो गए सानू कोई पानी नहीं हैगा। दो टैंकर च घराए गए थे, लेकिन वो दो टैंकर किन्ना देर चलने, हूँ साढ़े टैंकियां जाके चेक कर लो, पर कोई भी पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं, ना सानू IPH वाला पानी है और ना ही सानू ये बोर का पानी है। कोरा असी ब्लॉक 2 विच रहने हैं, देखो जी किन्ने दिनों तो साढ़े घर च पानी नहीं आ रहा हैगा। ये कौन जो इन्हों पता सी कि बोर थले डूंगी मोटर रखी जानी है, पहला क्यों पट्टी इन्होंने वो वाली मोटर, सानू पहला ही कमेटी वाले वो ही पानी दई जाते, जो बरसात पैनिया सी फिर पट्टे वो मोटर क्यों पट के सानू खज्जल खुआर किया वा इन्ह ने दसो। IPH का तो जी हमने उनसे बात की थी ना, वो देख रहे हैं कि हो सकता है वो जल्दी ही इनको पानी प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारा जो MC का है ना, हमारा बोरवेल ख़राब हो चुका है, उसमें पानी नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है। तो हम बड़ी जल्दी गबला कुआं से यहाँ तक नई मोटर डालकर इनको पानी की सप्लाई जल्दी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।